बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे, कौमी असम्बली के रुकन लतीफ़ खोसा ने आम इंतखाब के फौरन बाद एक निजी टीवी को इंटरव्यू में ये बात कही थी कि हम इस हुकूमत को चलने देंगे ना ही इस ऐवान को चलने देंगे। यही बात बैरिस्टर गौहर ने भी ये बात कही और पब्लिक के सामने ये बात कही। इसकी अमली तस्वीर हमें नज़र आई जिस दिन पंजाब असम्बली में हलफ लेने की तकरीब हुई। इसकी अमली तस्वीर हमें नज़र आई जिस दिन वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब था। इसकी अमली तस्वीर हमें KPK में नून लीग की रुकन सोबिया शाहिद के साथ हुए नारावाज सलूक की सूरत में नज़र आई। इसकी अमली तस्वीर हमें कौमी असम्बली के तीनों दिन नज़र आई। इसकी अमली तस्वीर हमें वज़ीर आज़म की हल्फ बरदारी के दिन, जहाँ तीनों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे लेकिन एक सूबे KPK के वज़ीर आला मौजूद नहीं थे, उस दिन नजर आई। वज़ीर आज़म ने जब पेशावर का दौरा किया तो उस वक्त वज़ीर आला का मौजूद ना होना इस बात की गमबाजी थी कि अपोजिशन जिस जहन के साथ सामने आई है वो जहन उनका क्या है, वो क्या चाहते हैं। और मरियम नवाज साहिबा ने और शहबाज शरीफ साहब ने मुफाहमत की बात की, वो खुद चल कर गईं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के पास। इसी तरीके से जब पहली स्पीच की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुंतखब होने के बाद, तो उन्होंने मुफाहमत की बात की, उन्होंने कहा आइए मुफाहमत की तरफ चलते हैं ताकि मुल्क को मसाइल से निकाला जा सके। लेकिन क्या इस मुफाहमत की बात का जवाब अपोजिशन जो है उसी अंदाज से देगी, या जो तनकीद हमें नज़र आ रही है यही 5 साल के अरसे में चलती हुई नजर आएगी, इस पर बात करेंगे आज के पहले मौजू में। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं अपने मेहमानों का। आज हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज में शनीला मार साहिबा ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, स्काइप के जरिए हमारा साथ दे रहे हैं नौशाद अली साहब, और लाहौर स्टूडियो से हमें सज्जाद साहब ने ज्वाइन किया है। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल होगा शनीला साहिबा आपसे, ये फरमाइएगा कि 9 मुंतखब असम्बलियों में गैर पार्लिमानी रवैयों का जिम्मेदार कौन है? या सर, इसमें कोई दो राय है कि पूछा जाए कि जिम्मेदार कौन है। वो एक पार्टी है जो पहले PTI थी, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है। अगर आप उनका, पहले तो वो पार्लियामेंट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे 90s की दहाई के अंदर, 2008 में, 2002 की पार्लियामेंट के अंदर, 2013 के अंदर वो कुछ सीटें लेकर। जी आप बात जारी रखिएगा, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को NC कंटिन्यू करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक। अपोजिशन के इस रवैये के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इस रवैये से फिर ऐवान को कैसे चलाया जा सकता है। जी शनीला, तो मैं आपको बता रही थी कि 2013 में जब इनकी आमद हुई पार्लियामेंट के अंदर, तो इन्होंने इसी पार्लियामेंट को कहा था कि जला दें, घिराव करें इसका, पार्लियामेंट में सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, वो जो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो हम नहीं यहाँ पे बैठ के इस्तेमाल कर सकते पार्लियामेंट के लिए। फिर 2018 के अंदर वो खुद इक्तदार में आ गए, तो तब भी उनका रवैया ऐसा ही था, वो लगता ही नहीं था कि वो हुकूमत में, क्योंकि जो हुकूमत में बैठते हैं वो हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हम अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे, लेकिन उनका रवैया ऐसा ही रहा। देखिए, जो पार्लियामेंट के अंदर हल्ला गुल्ला करना, शोर मचाना, ये तो हम 90s की दहाई में भी देखते, लेकिन मखसूस दिनों के अंदर होता था ना। बजट का सेशन हो रहा है तो अपोजिशन एहतजाज करिए, किसी कानून साजी के ऊपर वो हो रहा है तो अपोजिशन एहतजाज करिए, लेकिन पूरे 365 दिन एहतजाजी मोड में सिर्फ ये एक पार्टी है जो रहती है। ये पार्लियामेंट के अंदर भी इसी मोड में रहती है, पार्लियामेंट के बाहर भी उसी मोड के अंदर रहती है कि सिर्फ इन्होंने लड़ाई झगड़ा इंतशार की कैफियत में रहना है। तो अगर अब ये ओपोजिशन में हैं तो इनका काम यही है, इन्होंने यही करना है, क्योंकि ये पार्लिमानी रवायात को जानते भी नहीं हैं, इनको मालूम ही नहीं कि पार्लिमानी रवायात को निभाया कैसे जाता है। अगर वज़ीर आज़म चल कर उस ओपोजिशन लीडर के पास आ रहा है तो वो इतना उसको वो अपनी और ज़्यादा वो अकड़ में जा रहा है कि मेरे पास वज़ीर आज़म आ गया मुझसे मिलने के लिए। जैसे अय्याज़ सादिक को आप देखें, जैसे ही वो नॉमिनेट हुए हैं स्पीकर के लिए, वो उठ के गए हैं और उन्होंने जाके आमिर डोगर साहब जो उनके मुकाबले थे उनसे हाथ मिलाए। ये रवायात होती हैं पार्लियामेंट की, और उन्होंने इस रवायत के ऊपर नहीं चलना, वो आपको नजर आएंगे यही सारा कुछ करते, बल्कि देखें इससे बढ़ चुके हुए हैं वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं, वो जूते लहरा रहे हैं, वो जूते फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। शोबिया शाहिद के साथ तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो कुछ हुआ है इतना शर्मनाक है, जो कुछ उनको कहा गया है वो बात दोहराई नहीं जा सकती। FIR भी दर्ज नहीं हुई उसकी,
क्योंकि सुबह जिनका है जो उसके वजीर आला, आप उनकी बात सुने, जो उनके वजीर आला जो इंतजामिया के हेड हैं, जो के जिनको ये सारी चीजें कंट्रोल करने की चाहिए थी, उन्होंने क्या बात की उनसे जब सोबिया शाहिद के वाक्य की बात की तो उन्होंने कहा कि सोबिया शाहिद ने तो खुद जूते खाने वाली बात की है। और आप ये देखें कि सोबिया शाहिद जो है वो एक तरह से उनकी कुलीग बनती है क्योंकि वो पार्लियामेंट में उनके साथ है। ये वर्क प्लेस हैरेसमेंट में आता है ये काम कि आपने अपने साथ काम करने वाली एक कुलीग को हरेस किया है आपने, तो वो जो इंतजामिया के जो हेड हैं जब वो खुद ऐसी बात कहेंगे तो जो उनके नीचे लोग हैं उनको तो शह मिलेगी। वो जब आएंगे वो फौजिया शाहिद सोबिया शाहिद के साथ यही सब कुछ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी हमने देखा, फिर हमने ये कौमी असेंबली के अंदर भी देखा कि मियां नवाशिर की तरफ उन्होंने मास्क उछाले थे। बानी चेयरमैन के जो अपने रिमार्क्स हुआ करते थे खवातीन के हवाले से, वो भी तो रिकॉर्ड पे हैं। वो उनके तो शर्मनाक बहुत से ऐसे हैं। आज वो जिस अचकज़ई साहब को उन्होंने सदर बनाया है, उन्हीं अचकज़ई साहब की वो नकलें उतारते थे कंटेनर के ऊपर चढ़ के। आज सदर का अपना उम्मीदवार जिनको बनाया कंटेनर के ऊपर चढ़ के उनकी नकलें उतारते, तो वही मौलाना साहब जिनके बारे में वो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते थे, फिर चल के उनके लोग उनके घर तक गए उनसे मदद मांगने के लिए, तो वो उनका रवैया ऐसा रहेगा? ये ऐसे ही चलेगी असेंबली? हुकूमत को चाहिए ये कि वो अपना काम करते रहें, उनको पता है कि इनका रवैया कैसा होगा, वो अपना काम करें, जो पॉलिसीज बनानी उन पर अमल दरामद करें, जो कानून साजी करनी उसके ऊपर कानून साजी के ऊपर अमल दरामद करवाएं, कानून साजी करवाएं पार्लियामेंट के अंदर। उनके पास अच्छी खासी अक्सरियत आ चुकी है, इनका रवैया ऐसा रहेगा ये तब्दील होने वाला नहीं है। 228 का नंबर तो उन्होंने मिल गया उनको। जी मैं डॉक्टर ताहिर नहीं मलिक साहब आपकी तरफ इसमें आऊँगा, ये फरमाइएगा कि क्यों नहीं शामिल हुए जी हल्फ बरदारी की तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और फिर क्यों नहीं वो पेशावर में जब वज़ीर आज़म गए तो वहाँ पे मौजूद थे? क्या मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पार्लिमानी इदारों की और जमहूरियत की उम्र कम है, लेकिन अब ये उम्र इतनी भी कम नहीं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ जो हमारे जमहूरी सियासी और पार्लिमानी अमल का हिस्सा रही हैं, उनके लिए ये जो मोमेंट है या ये लम्हा है, ये खुद एहतसाबी का भी होना चाहिए। एक वक्त था कि जब आपने असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिया, अब एक वक्त है कि आप हल्फ उठाने के लिए मखसूस नशस्तों के लिए आप बेकरार हो रहे हैं, तो ये ज़रा रवैयों पे भी नज़रसानी करनी चाहिए कि पार्लिमान एक इदारा है पार्लिमान, और ये किसी एक सियासी पार्टी का वज़ीर आज़म का तो एक मनसब है ना, सियासत से आपको इख्तलाफ हो सकता है लेकिन आप एक मनसब है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, अगर वो सूबे में आ रहे हैं और आ किस लिए रहे हैं, एक क्लैमिटी हुई है, बारिशें हुई हैं, उससे लोग मुतासर हुए हैं, उनको उन्होंने इमदाद फराहम करनी है। जैसे बलूचिस्तान में सरफराज भुट्टी साहब साथ साथ रहे तो इनको भी रहना चाहिए। ये एक आईनी इदारे हैं जैसे कि आपने कहा, और इसके साथ ये कि वज़ीर आज़म अगर वहाँ ना जाते तो ये एक बहुत ही हैरत अंगेज बात होती और फेडरेशन इससे कमज़ोर भी होती, तो फेडरेशन की अलामत होते हैं योदे। वहाँ एक आफत ज़दा इलाके कुछ सूबे ज़िले वहाँ हुए हैं, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर का अभी हल्फ बरदारी के फ़ौरन बाद वहाँ जाना, ये भी शो करता है कि वो वहाँ को ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। ऐसे मौके पे बड़ा ज़रूरी था कि कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब है कि इन केस ऑफ वार, इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, जिस तरह पिछले साल सिंध में और जनूबी पंजाब का होगा, चलें काम हमारे तो ये जो बचगाना रवैया, ये जो जो अदम तावुन है सूबे के सरबरा की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ मुलाकात ना करना, मीटिंग्स में ना जाना, आगे फ्यूचर में हम आगे देखेंगे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग भी होगी, क्या वो आते हैं या नहीं आते, तो इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान इसमें रियासत और सियासी निज़ाम का होगा। देखिए एक हुकूमत उस शहरी का नहीं होगा जिसने इनको वोट दिया है, तो इसलिए नुकसान होगा कि उसकी उम्मीदें हैं, उमंगे हैं, इंतखाबात ख़त्म हो गए, अब वो देख रहा है कि ये इदारे डिलीवर करें मेरे लिए, अच्छी कानून साजी करें, पॉलिसीज बनाएं, रमज़ान की आमद है तो यहाँ पे रिलीफ पैकेज उसे मिले, यहाँ पे मईशत का पहिया चले। अगर ये इंतशार की फिजा रहेगी, पोलराइजेशन, तो मायूस होगा, मायूस होगा तो हमारे सियासी निज़ाम और इदारों से मायूस ही होगा। तो क्या हम आवाम को मायूस करना चाहते हैं या डिलीवर करना चाहते हैं? कंपटीशन होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि KPK में वहाँ वो डिलीवरी में इतना परफॉर्म करें कि वो वफाकी हुकूमत को बाकी सूबाई हुकूमतों को कहें कि देखे हमने ये किए, ये कंपटीशन हमें वहाँ नजर आना है। लेकिन आज हैदर की खबर भी है ना जिसमें उन्होंने कहा कि FBR को जो सूबाई सतह के ऊपर भी लेकर जाया जाएगा, तो अगर ये रवैया रहा तो फिर किस तरह काम मुश्किल होगा। जिस तरह मेट्रो बस प्रोजेक्ट में आपने देखा कि बड़ा गैर जरूरी तातुल का शिकार हुआ, तो मैं समझता हूँ अच्छी मुसाबकत कंपटीशन होनी चाहिए, लेकिन महाजराई
कंपटीशन नहीं होती, माजराई जो है इसके अंदर प्रोजेक्ट डिले होते हैं, इसके अंदर आप कह रहे हैं मुखासमत और मुसाबिकत में फर्क होता है। फर्क होता है, ठीक है। मैं डॉक्टर फारूक आल साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, अपोजिशन का अब तक का रवैया देख के आपको क्या लगता है कि ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे? अच्छा, मैं दो तीन नुकात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इन लोगों के कुछ नज़रियाती उस्ताद भी हैं, एक बड़े सूडो इंटेलेक्चुअल हैं हमारे यहाँ, टीवी पे भी आते हैं, कॉलम वॉलम भी लिखते हैं। उन्होंने ये क्या कहा, उन्होंने कहा कि मरवत मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसका तरीक़ाकार भी पसंद है, बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपना जो यानी शक्ल सूरत का स्टाइल बदल ले। वो कैसा बदल ले? मास तो लगा लिया उन्होंने। कैसा बदल ले? वो ऐसा बदल ले जैसे किसी ज़माने में तुर्क सरदार होते थे, मतलब वो तलवार भी लगा ले साथ, घोड़े पे भी आए घोड़े पे भी आए जी। तो मतलब क्या है, इनकी जो ओरिजिन है वो बदतमीज़ी पर है। वो खुद जो सूडो हैं इंटेलेक्चुअल, वो भी बदतमीज़ी करते हैं लोगों के साथ, और अब वो इसी चीज़ की तबलीग भी, वो गुज़श्ता 30 साल से 25 जितने अरसे से ये जमात है उसके साथ वाबस्ता है ये, और उनको इसी चीज़ की तबलीग कर रहे हैं। एक बात दूसरी, अगर आप आलमी तारीख पे नज़र डालें और उस यानी जब फासिस्ट ग्रोह दुनिया में वजूद में आए और उनके कुछ हिस्से, मैं प्री पार्टीशन भी बात कर रहा हूँ जो अब सब कॉन्टीनेंट की करूँगा, उनके कुछ यहाँ भी हिस्से डेवलप हुए तो उनकी एक स्ट्रेटजी बनी। उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि आप इज्जतदार लोगों की पगड़ी उछालें, आप उनको गाली दें, आप उनके घरों तक पहुँचें ताकि इज्जतदार लोग ये मैदान छोड़ दें। इस वक्त ये लगता है ये लोग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, यानी PTI या सुन्नी इत्तेहाद या जो कोई भी ये लोग हैं, इन लोगों का तर्ज़ अमल गुज़श्ता 25-26 साल से जब से ये सियासी जमात वजूद में आई है, इनका तर्ज़ अमल भी यही है। और पाकिस्तान में इनके नज़रियाती जो सरपरस्त हैं उनका भी तर्ज़ अमल यही है, वो लोगों को गाली देते हैं और इन लोगों को गाली सिखाते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा सबसे ज़्यादा, यानी आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में बर्दाश्त नहीं, गली मोहल्ले में बर्दाश्त खत्म हो रही है, रिश्तों नातों में बर्दाश्त। इस्तेमाई दानिश कहा जाता है ना पार्लियामान को, तो वहाँ इस्तेमाई दानिश अगर ऐसी इस तरह की सामने चीज़ें आएंगी तो फिर आम आदमी क्या तासुर देगा? ये नमूना है आम आदमी के लिए ना, तो आम आदमी के सामने ये नमूना जा रहा है। नतीजा क्या है कि अब हमारे यहाँ अब हजूम इंसाफ करने लगा है, लोगों को आप खड़े सरेआम खड़े होकर गाली दे देते हैं, लोग ख़ानदान में शिकायत करते हैं कि बच्चे बदतमीज़ हो गए। तो ये पता नहीं किस कि यानी किस एजेंडे के तहत हमारे यहाँ ये आ गए हैं। इनका इस पहलू से भी इनको समझना भी चाहिए, इनका एहतसाब करने की ज़रूरत है। अखलाकी जुर्म जो है वो दूसरे जुर्म से ज़्यादा बड़ा जुर्म होता है, और ये गुज़श्ता 25-30 बरस से अखलाकी जुर्म की तबलीग कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, तो इससे बचने की ज़रूरत है जी। आगा साहब फरमाइएगा, सरदार अख्तर मेंगल साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और फिर महमूद ख़ान अचकज़ई साहब, ये वो लोग हैं जो जमहूरियत पसंद हैं, इख्तलाफ इनके होते हैं हमेशा से, लगता है आपको कि वो इस टोले के साथ जाके हाथ मिला लेंगे और दोबारा से वही जो ये गली मोहल्ले की मुखालफत वाली सियासत करते हैं इनके साथ दे देंगे, या फिर वो अपना रास्ता लेंगे? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फॉर द टाइम बीइंग जब तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होते हैं, उसके थोड़ा आप 2-1 महीने एक्सटेंड और कर लें, हो सकता है कि जो ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं वो लाख इख्तलाफात रखते हों, लेकिन उन्होंने कभी भी एक आप कह सकते एक रिस्पेक्ट का दामन दूसरे पॉलिटिशियन के लिए नहीं छोड़ा है। उनको यहाँ पे जो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अगर आप बात करते हैं तो साहबज़ादा फजल करीम साहब जो हामिद रज़ा साहब के वालिद थे, वो बड़े रखरखाव वाले आदमी थे। इनका PTI से कोई मुझे साइकोलॉजिकल तल्लुक लगता नहीं है, लेकिन बेसिकली तो वो नून के थे जी। जी वो जो साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब जो थे जी जी, नून से अलग क्यों किया? जी जी, मैं कह रहा हूँ वो बेसिकली वो बड़े डिसेंट आदमी थे जिनके अपना साहबज़ादे साहब ने इनको इस टोले को अपने साथ इकट्ठा किया है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने बातें की कि आज या कल या जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर जाएंगे और CM साहब वहाँ पर उनके साथ नहीं होंगे, नहीं वो गए हैं ना पेशावर तो गए हैं, नहीं थे यही में, आगे भी यही होगा, मैं ये कह रहा हूँ सही, कल भी ऐसा होगा, इसलिए कि एक दफ़ा KPK ने साबित कर दिया है इस्लामाबाद के ऊपर हल्ला बोल के कि एक फेडरेटिंग यूनिट जो है वो तमाम ताकत रखता है फेडरेशन के ख़िलाफ़ खड़ा होने की। बदकिस्मती कहिए
कि उस वो जो वाक्या हुआ था उसकी सजा किसी को कोई नहीं दी गई, और उसके बाद एक मैसेज गया कि ये जो फेडरेटिंग यूनिट है ये फिर यही करेगा। और आपको याद होगा कि जिन दिनों में अभी इलेक्शंस हो रहे थे और हम डिस्कशंस कर रहे थे जी, हम सबका मेरे ख्याल में यही ख्याल था कि अगर केपीके में पीटीआई जीत गई तो वो केपीके को खड़ा करेगी, उसके आगे ला के खड़ा करेगी, फेडरेशन के आगे, सेंटर के आगे। वो आपने देख लिया, ऐसे होने जा रहा है, यही होने जा रहा है। और ये चीज़ जो है ये ना पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छी है, ना पार्लियामेंटेरियन सिस्टम के लिए अच्छी है, और ना इस मुल्क के लिए अच्छी है। लेकिन इन्हें समझाने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा है कोई है जिससे आप बात कर सकें। जी फरमाइए। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने यही होने जा रहा, परवेज खटक फिर भी समझदार आदमी थे, इस वक्त क़यादत जो सूबे की जिसके पास है केपीके की, वो समझदार आदमी नहीं है, ज़्यादा बुरे तरीके से उनका इंतखाब जो है वो इसी मकसद के लिए किया, इसी मकसद। ठीक, सजाद साहब आपको सर इन्वॉल्व करूँगा, ये फरमाइएगा जिस धांधली का रोना ये रो रहे हैं या राग ये अलापते हैं दिन रात, तो जिस सूबे में इनकी मेजॉरिटी आई है वहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं करते, फिर इन्होंने सारे प्रोसेस में हिस्सा भी लिया, किसी प्रोसेस में बॉयकॉट भी नहीं किया, यानी स्पीकर के इलेक्शन में भी, डिप्टी स्पीकर के भी, उसके बाद फिर वजारत उज़्मा के हवाले से भी, अब सदारती इंतखाब के हवाले से भी ये भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, तो जिस निज़ाम के ऊपर ये उंगलियाँ उठा रहे हैं उस निज़ाम की तो बेनिफिशरी भी यही हैं, तो ये बताना क्या चाह रहे हैं कि निजाम से बेनिफिट भी लेंगे लेकिन निजाम के ऊपर दुष्नाम तराजी भी करेंगे? बिल्कुल, उनका प्लान यही है कि हर जगह पे जहां जहां उनकी स्पेस है वहां वहां वो जाके तो गंद डालना चाहते हैं। ये बड़ा वाज़े एजेंडा है उन लोगों का, और इसमें मैं समझता हूँ कि एक तरफ से गंडापुर साहब कह रहे हैं, मीडिया पे बात करते हैं, असेंबली में तकरीर करते हैं कि जनाब 9 मई का एक अदालती कमीशन बनाया जाए, और दूसरी तरफ जो उनके बानी चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि ये जो मैंडेट आया है इस वक्त ये 9 मई के बयानिए को इसने दफन कर दिया है। और जब उनसे 9 मई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि अगर मुझे जो लोग गिरफ़्तार करेंगे तो लोग वहीं जाएँगे ना, तो ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस था, लेकिन उसको जिस तरीके से हैंडल किया गया और उसके नतीजे में जितनी भी इन लोगों को नरमी दी गई आज वो उसका सारी स्टेट भी नतीजा भुगत रही है। बात ये है मोहतरम के ये जिस दिन ये इतिहाद बना था नया, जिसके तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को नामज़द किया गया था, उसी मौके पे सदर आसफ़ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि हम ये जो एक मसालहत की बात है, रिकन्सिलिएशन की बात है, ये पीटीआई के साथ भी करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने ये ख़ास तौर पे मैसेज दिया था पार्लियामेंट में अपनी पहली तकरीर के दौरान कि जनाब अगर आप इस पार्लियामेंट को कमज़ोर करेंगे तो फिर आप पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक स्पेस कम कर जाएँगे। लेकिन उनकी तकरीर के दौरान ही आपने देखा क्या मनाजर थे। ठीक, तो जैसा कि हम पहले कहते रहे हैं, जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी उससे भी पहले जब इनकी गवर्नमेंट थी पीटीआई की, कि ये एक मसलसल एक अनएंडेड स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जब तक वो वापस नहीं कहते हैं कि मैं आ जाता तब तक मैं हर चीज़ को नीस्त नाबूद कर दूँगा। अब बात यह है कि ये रियासत या हमारे अदारे कब तक इस तरह की सोच का बोझ उठा सकते हैं और कब तक हम इसकी सज़ा भुगतेंगे, डिस्टेबलाइजेशन की, अपनी इकॉनमी को तबाह करते रहेंगे, ये फैसला हमने करना है। जी नौशाद साहब, आपको इसमें शामिल करूँगी, फरमाइएगा ऐसे माहौल के अंदर जहाँ वाज़े लकीर हमें नज़र आती है मुकासमत की, वहाँ मुफाहमत की बात करने वाले चाहे वो वज़ीर आज़म हों, चाहे वो वज़ीर आला हों, या चाहे वो माजर के साथ नामजद सदर हों, तो इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो आपको इवॉल्व होती हुई नजर आएगी मुफाहमत की, या तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अडयाला जेल से ही होती हुई आएंगी, ये किसी भी मामले में इनको इख्तियार नहीं है फैसला करने का जो आवाम के वोटों से इलेक्ट होके आए? जी मैं आपको, आप मुखासमत की बात कर रहे हैं, देखिए जिस जमात ने मुफाहमत को शर्मिंदगी बना दिया हो या गाली बना दिया हो या फ्रेंडली अपोजिशन बना दिया हो,
जो मुफाहमत को जो है ना वो आप यूं कहें कि चोरी डाकाजनी और जो नाजायज माल कमाने का जरिया लोगों के जहनों में बिठा दे कि ये तरीकेकार है कि ये आपस में मिले हुए हैं और मिलकर ये लूट रहे हैं कौम को, और इस तरह की गुफ्तगू कर करके इतना झूठ बोले कि वो सच लगने लगे और 8 फरवरी को वो नजर भी आ रहा हो, तो वहां पर आप ये तवक्को रखते हैं कि ये ताली जो है ये दोनों हाथों से बच सकती है? क्या अली अमीन गंडापुर साहब की जो नामजदगी है क्या वो बता सकती है कि ये जो है ये कोई मुफाहमत की बात हो सकती? क्या अफजल शेर मरवत साहब को अगर आप पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नामजद करेंगे बावजूद इसके कि वहां असद कैसर भी हो और उससे बहुत ज्यादा सीनियर सियासतदान भी हो, और माजी में जो चौधरी निसार अली खान और खुर्शीद शाह जैसे लोग जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को हेड करते रहे हो, तो इससे साफ जाहिर होता है दरअसल ये जो पार्लियामेंट के अंदर आके हल्फ लेना है और हल्फ लेकर इस पोजीशन को इस्तेमाल करना है, बेसिकली ये एक प्रोटेक्शन है जो ली जा रही है। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो बात खास तौर पर करेंगे, सबसे ज्यादा धांधली इप्सोस सर्वे के मुताबिक जिस सूबे में हुई है उसी सूबे में आपके जो बाकी सूबे हैं वहां धांधली के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा उस, और उसके साथ कहा जाएगा कि पूरी दुनिया में इसको फैलाओ, लोगों को ये बताओ, और वहां जो कुछ होगा वो भी आपकी नजरों से गुजरेगा। और जो सियासत का अंदाज 2010 से शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर और जो 2018 में अपनी पीक को पहुंचा है वो सबके सामने है, तो कोई ये कसर ये जो है ना ये गलत फहमी और खुशफहमी अगर रखता है तो वो गलत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनके अंदर खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक पॉइंट आ गया सर आपका, मुझे क्विकली दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे, अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल के इजलास में मुतालबा किया है कि कलदम TTP को पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए। मुस्तक़िल मंदूब के मुताबिक अफगान बुरी हुकूमत वो TTP से ताल्लुक़ ख़त्म कर दे। मुतालबात करते हुए मुस्तक़िल मंदूब का ये कहना था कि TTP के माली मामलात की निशानदेही की जाए, तहकीकात की जाए कि कलदम TTP ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया। गुज़श्ता रोज़ भी अडयाला जेल के गिरदरवा में 3 दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से जदीद असलाह बरामद हुआ है और जिनकी जो शनाख्त है वो अफगान नेशनल्स के तौर पे सामने आई है। साल 2023 में अगर हम देखें तो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला जारी रहा, इन हमलों में 70% इजाफा देखने में आया। इन हमलों के नतीजे में 81% अमवात वाकई हुई। इन हमलों के नतीजे में 62% अफराद जख्मी हुए। इन हमलों के नतीजे में 612 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल किए गए जबकि 645 दहशत गर्दों को हिरासत में लिया गया। अब यहाँ पे कुछ बड़े अहम सवालात हैं। सवालात ये हैं कि क्या अक़वामे मुत्तहिदा अफगान हुकूमत पर दबाव डाल सकती है? क्या अफगान अबूरी हुकूमत TTP पाकिस्तान में हमले रोकने में वाकई संजीदा है? TTP के पास जदीद असलाह कहाँ से आया? पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं? इंडिया की मुदाखलत को क्या हम नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कतर और चीन तालिबान पर दबाव बढ़ा सकते हैं? क्या अबूरी हुकूमत TTP से ताल्लुक खत्म कर सकती है? TTP की फंडिंग कौन कर रहा है? और बिलखसूस ये सवाल बड़ा अहम है कि इनके पास जो दो ऑप्शंस थे कि आपने TTP को चूज करना है या पाकिस्तान को, कि क्या इस अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर TTP को चूज कर लिया है? इन पर बात करेंगे अपने यहाँ पे मौजूद अपने पैनलिस्ट से। सवाल होगा शनीला साहिबा आपसे, फरमाइएगा TTP के जेर इस्तेमाल असलहा के बारे में पाकिस्तान की तशवीश और अक़वामे मुत्तहिदा में तहफ़ुज़ात का इजहार, क्या अक़वामे मुत्तहिदा में इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो सकती है? यासिर, जो असला है वो कहाँ से आया है? इस प्रोग्राम के अंदर बड़ी दफ़ा हमने उसके बारे में डिस्कस किया है कि ये वो असला है जो छोड़ दिया गया था अमेरिका जब इनहला कर रहा था अफगानिस्तान से, और वही असला इस वक्त हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, जो अफगान तालिबान है वो जो सफारती तौर पे जब आप इनको इंगेज करते हैं तो वो आपका साथ देते हैं, ये कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, हम इन दहशत गर्दों को रोकेंगे, हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में हम लोगों के लिए। आज भी अडयाला जेल के अंदर जो कहा गया है कि एक हमला होना था, अफगान दहशत गर्दी उसमें इन्वॉल्व थे जिसको नाकाम बनाया गया है, तो वो ये वो असला है जो हम पे इस्तेमाल हो रहा है।
जो वो जो पिछली एक हुकूमत थी पीटीआई की, उन्होंने जो अफगान तालिबान दहशतगर्द जहाँ पे लाके बिठा दिए हैं वो सारे यहाँ पे ऑपरेट करना शुरू हो गए हुए हैं। तालिबान उनको नहीं रोक सकता क्योंकि उनकी और उनका नजरिया एक है। जो टीटीपी उनको कहते हैं कि हमने आपके साथ मिलके आपका यहाँ पे हलाफत कायम की, अब आप हमारे साथ मिलें, अगर वो टीटीपी को बजोरे बाजू रोकेंगे तो फिर उनके मुल्क के अंदर दाइश ऑपरेट कर रहा है तो दाइश के साथ उन्होंने मिलने का भी उनको खतरा है। अकवामे मुत्तहिदा अगर उनके ऊपर पाबंदियां लगाते हैं, उनके ऊपर माशी पाबंदियां लगते हैं तो फिर वो ज्यादा उनकी तरफ चले जाएंगे दहशतगर्दों की तरफ। तो जरूरत इस समय की है कि जो सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, अमेरिका, दूसरे ममालिक हैं, वो उनको सफारती तौर पर इंगेज करें। अब तालिबान को ये चीज समझाने की जरूरत है कि अगर आपने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो आपको इन लोगों को खत्म करना होगा। उनके ना होने के बराबर हैं, उनको तो परवाह ही नहीं है। फिर अगर आप बजोरे बाजू रोकेंगे तो फिर आपने अमेरिका वाला देख लिया कि इतने साल भी वहां पे बैठे रहे, वो मामला नहीं हुआ। पाकिस्तान को अपने अंदर दहशत गर्दों को हर हाल में कुचलना होगा, लेकिन अफगानियों को भी समझाना होगा अब कि ना हो नेवर वाला मामला। डॉक्टर तानी मलिक साहब, वक्त कम है जरा, क्या अक्वामे मुत्तहिदा अफगानिस्तान की इस उबूरी सेटअप के ऊपर कोई दबाव बढ़ा सकती है, कोई क्लाउट है इनका? देखिए, इसका बैकग्राउंड तो ये है कि जब वहाँ से गैर मुल्की अफवाज का इनखला हुआ था तो उस माहदे की शरायत में था कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है किसी हमसाया मुल्क और दुनिया के किसी मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ली होगी। हमने ये देखा कि गैर एलानिया जंग थी पिछले 3-4 जाम में गो, अब उसमें वो लेवल काफ़ी ड्रॉप हुआ है और उसमें कमी आई है। आप दो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। हजारों हमारे लोग पिछले चंद माह में उस दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिविलियन, उनको एक गैर एलानिया जंग की शक्ल में टारगेट किया गया। और जिस तरह आपने देखा होगा कि डेरा इस्माइल खान में जिस तरह के वेपन यूज हुए हैं और नाइट विजन वाले एमुनिशन है, वो यहाँ साउथ एशिया में और तो किसी डेवलपमेंट के पास जो रिसेंट अटैक्स के अंदर असलहा बरामद हुआ है वो भी वो लेटेस्ट है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि नंगरहार में खुले बाजार लगे हैं, $8 अरब का ये असलाह वहां पे छोड़ के गए हैं। तो फिर यूएन एक फोरम है रेलेवेंट कि जहां ये चीजें करें, और हमें जो दीगर ममालिक थे जहां मुजाकरात के वो फरीक थे, अमेरिका है उसमें, नेटो हमारे इत्तेहादी हैं और कतर है, उनके भी नोटिस में लाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और वो जारहियत का जवाब इस शक्ल में तो नहीं देता। अफगानिस्तान के लिए हमारी बड़ी कुर्बानी है, लेकिन उधर से जो दरअंदाजी हो रही है वो पाकिस्तान में एक गैर एलानिया जंग की सूरत। ठीक, क्या तालिबान की अबूरी हुकूमत टीटीपी के साथ ताल्लुक ख़त्म कर सकती है? अच्छा, ये इसके दो पहलू हैं, ये जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और जो आपका सवाल है, एक ये, और हम इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने खत्ते में, इनकलाब को एक्सपोर्ट करना। तो ये इनकलाब के जो, अगर आप इसको इनकलाब कहें तो इसको एक्सपोर्ट करने का अमल है। तालिब टीटीपी हो या वो तालिबान हो, ये नज़रियाती साथी और इत्तेहादी हैं। और अगर तालिबान हुकूमत किसी दबाव की वजह से, पाकिस्तान का दबाव या कोई और दबाव, उसकी वजह से कुछ इकदाम करती भी है तो उनके अंदर से उन पर दबाव आता है। डॉक्टर साहब, माजिक साहब, ये कैसे नज़रियात हैं कि जो तालिबान हैं वो तो इन्वेजन जो उनके ऊपर हुई उसके खिलाफ उन्होंने 19-20 साल जो है वो जंग लड़ी है, जैसे भी जो जहाज जिसको भी वो नाम दे देते हैं, लेकिन टीटीपी एक हुकूमत जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों की हुकूमत है उसके खिलाफ बरसरे पैकार है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बरसरे पैकार है, ये कौन से नजरिया? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही मैंने अर्ज किया है। मैंने अर्ज ये किया है कि जब इनके खिलाफ वो कोई इकदाम करते भी है गवर्नमेंट किसी दबाव के नतीजे में, तालिबान हुकूमत, तो उनके अंदर से प्रेशर आता है कि ये हमारे नजरियाती साथी हैं। जब जिस जंग का आप जिक्र कर रहे हैं उस जंग में ये लोग उनके साथी थे। अच्छा, आज हम इनके साथ बुरा कैसे कर सकते हैं? और जो कुछ वो हमारे साथ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके नज़दीक हम तो एक बातिल निज़ाम है और उस बातिल निज़ाम की जगह वो एक दुरुस्त और साले निज़ाम लाना चाहते हैं, और साले निज़ाम वो है जिसको वो साले समझते हैं। इसका उनकी रिवायत के साथ ताल्लुक है, उनके अपने सियासी नज़रियात के साथ ताल्लुक है और मजहबी नज़रियात। हमारे अगर इस्लाम के नज़रियात हैं तो इस्लाम तो किसी को उसको इस पे तो फतावाज भी आ चुके हैं, बड़े कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। तो एक उसका पहलू ये है। दूसरा पहलू जो हमारे खित्ते में है उसका ताल्लुक, ये जो हम एक बिजनेस कॉरिडोर बना रहे हैं, उस कॉरिडोर के नतीजे में आप फ्लोरिश करना चाहते हैं, ये उसके खिलाफ भी एक्ट है, ठीक है, और उसका भी रास्ता रोकते हैं। इंडिया के रोल को हम माइनस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक, पॉइंट आ गया। मैं इसमें आपको शामिल करूंगा, अगर साहब फरमाइएगा, एक बुलेट भी अगर फायर होती है ना तो उसके पीछे भी एक पूरा इकोसिस्टम होता है,
पूरी फाइनेंसिंग फंडिंग का एक निज़ाम होता है, इतने अरसे से ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, इनको फंडिंग कौन कर रहा है? इनको पहली तो बात है, अभी बात आपने की है, ये तो हमें क्लियर नज़र आ गया था कि 2006 के बीच में जो है इंडिया ने डायरेक्ट फंडिंग आनी TTP को शुरू कर दी थी, जब TTP बनाई गई, और उसके बाद फिर TTP ने जो है वो तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ जहाद में हिस्सा लिया, और तब भी हमें नज़र आ रहा था कि TTP इंगेज है इंडिया के साथ और इंडिया इंगेज है अब अफगानिस्तान के साथ, और उसके बाद हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो आप कहते हैं कि एक बुलेट जो है, अब जो बुलेट्स कहाँ से आ रहे हैं, असलाह कहाँ से, आपने सही बता दिया, लेकिन इस पर दो चीज़ें आप ज़रूर जहन में रखिएगा कि 21 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ये इशू यूनाइटेड नेशन में उठाया था जी, सेम इशू आज फिर पाकिस्तान को क्यों उठाना पड़ा, और दिसंबर से लेकर आज मार्च की 7 तारीख तक क्या कोई एक्शन लिया तालिबान ने TTP के खिलाफ, या इवन यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन आई? एक फतवा जारी करने से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। और एक बात मुझे बदकिस्मती से फिर याद आ जाती है तारीख का स्टूडेंट होने के नाते, कि जब यहाँ से सोवियत यूनियन भागा था तो उन्हें कहा गया था, आंद्रोपोफ ने कहा था 1 person 1 rifle, तो बाद में आंद्रोपोफ पे बड़ा प्रेशर आया कि आपने इतना बिलियंस ऑफ डॉलर का असला आपने क्यों छोड़ दिया अफगानिस्तान में, तो उसने कहा इसलिए छोड़ दिया कि ये खेलते रहेंगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ठीक, अमेरिका ने भी लगता यही किया है कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर का असला बीच में छोड़ दिया है और 1 person 1 rifle के तौर पर निकल गए हैं। तो तारीख ने आप देखें फिर दोहराया, 88 से लेकर ये 2000 यानी कि आप देखें 23 ये गए थे, 22 को गए थे, हम वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। ठीक सजाद साहब, आपको इसमें शामिल करूँगा, ये फरमाइएगा कि क्या अब तक जितने भी एक्शंस अफगानिस्तान की सरजमीन से लिए जा चुके हैं, तो हम बतौर पाकिस्तानी ये समझें कि जो वहाँ की अबूरी हुकूमत है उसने प्रायोरिटाइज कर दिया है, उसकी तरजीहात में TTP के साथ ताल्लुक ज़्यादा मजबूत है जो इसके पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के? यासर भाई, इसी प्रोग्राम में हमने बार बार कहा है कि TTP हो या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हो, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, वो एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं। ये हमारा ख्वाब था, हमारी खाम ख्याली थी, और ये हमारी, जैसे आगा साहब ने कहा कि 88 से लेकर 2024 तक हम ये उसी जगह पे खड़े हैं, ये हमारी पॉलिसी का और हमारी कौमी सोच का डिसोल्यूशन भी है। सबसे पहले तो हमें इसको बदलने की ज़रूरत है। फारूक आदिल साहब ने कहा कि वो समझते हैं कि हम बातल एक मतलब रियासत हैं, तो उसी बातल रियासत ने तो इनको खून अपना पिलाया था और उनको खड़ा किया था और इतना अरसा उनकी मदद की, और उनकी इतने महाजर पाकिस्तान में आए जिनको संभाला, इस जंग का सारा मलबा पाकिस्तान ने उठाया, दुनिया भी नाराज़ हुई पाकिस्तान से। और लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि, जैसे हमने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि जब रशिया जाएगा तो वहाँ क्या होगा, अभी भी हमने ये नहीं सोचा था कि जब अमेरिका जाएगा तो फिर पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिलेशंस क्या होंगे। तो बदकिस्मती है, इसको हमें फेस करना पड़ेगा, इस आग में से गुज़रना पड़ेगा जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, और लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को अपनी ये जो डिसोल्यूशन है हमारी पॉलिसी का, इसको क्लैरिटी की तरफ जाए बगैर आप रास्ता नहीं ले सकते इसमें से। जी ठीक है, नौशाद साहब आपको शामिल करूंगा, सर ये फरमाइएगा कि हमारे पास जो ऑप्शंस थे, गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफराद यहाँ पे थे, हमने उनको भी वापस अपने घर भेजा, उसके बाद फिर हमने सिंगल डॉक्यूमेंट की रिजीम जो है उस हवाले से भी सख्त इकदाम उठाया, और आज तक रियासत पाकिस्तान उसके ऊपर बदस्तूर कायम है। इसके बावजूद अब पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेड रूट्स जो हैं वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स और ईरान के रास्ते से अब ढूंढना शुरू कर दिए हैं, तो अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? बूट्स ऑन द ग्राउंड वाला ऑप्शन तो नहीं है, इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं जिससे हम उन्हें रोक सकें और बावर करा सकें कि पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है? देखिए, पॉलिसी हमेशा कामयाब वो कैरेक्टर वो स्टिक वाली रहती है, वो रखनी चाहिए हमें, उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन इनके मामले के अंदर जो पॉलिसी जो अब हमने ऑप्ट की है, इससे आप पीछे किसी सूरत नहीं हटना चाहिए।
क्योंकि देखिए ये आप कुछ भी कर लें, आप इनको जितना मर्जी खून पिला लें, आप इनको जितनी मर्जी इमदाद कर लें, आप इनको जितनी मर्जी देर जो है इन्हें इनका बोझ बर्दाश्त करें, इन्होंने आखिर में वही करना है। क्योंकि नजरियाती तौर पर वो ये समझते हैं कि देख ये जो इनके दरमियान सिर्फ एक नाम का फर्क है, पाकिस्तान लग जाता है एक जगह, अफगानिस्तान लग जाता है, इसके अलावा इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। सो अल्टीमेटली उन्होंने अपने जो मोटिव्स हैं, अपने चीजें हैं जो हमारे बातिल निजाम के खिलाफ जो उनकी जंग है वो जारी रहेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ कुचला ही जा सकता है। और बाकी रही बात कि जो वहां पर मौजूद है उनके साथ आप डायलॉग के जरिए उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि वो अपने मामलात जो है अपने मुल्क तक रखें, वहां से कोई चीज एक्सपोर्ट ना हो सके, और जो उनके जो फंडिंग करने वाले जो जितने भी ममालिक हैं उनको एक्सपोज करें दुनिया के सामने, ताकि उस फंडिंग को रोका जा सके। इसके अलावा आपके पास कोई और चारा है ही नहीं, ना आप उसमें पॉलिसी को तब्दील कर रहे हैं। हमने करके देख लिया ये काम कि अगर फर्ज कीजिए कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता है तो वो सॉफ्ट कॉर्नर का नतीजा ये है कि पिछले 6-7 साल के अंदर हम दहशतगर्दी की उसी जगह पे खड़े होकर आ गए। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है जिसके अंदर लचक नहीं होनी चाहिए। आई हैव टू वाइंड अप जी, मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का। आज के दोनों मौजूदात के हवाले से तजिया आपने मुलाहिजा किया। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेकबान।